हाँ तो भैया ये बताइए, आज आप लोगों ने फिर धरना यहाँ बुलाया, ठीक है, काफ़ी सारे लोग आए, मुझे पता चला कि आप लोग निषादगंज पुल पे भी रहे, तो क्या हुआ थोड़ा सा बताएं दोबारा। देखिए 166 दिन हो गए धरने का, अब हम लोग का जब धैर्य जवाब दिया, अभी तक मामला संज्ञान में पहुंच चुका है, फिर भी वहां से कोई नतीजा नहीं है, कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि शांतिपूर्ण ढंग से पुल बैठेंगे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। सरकार का विरोध तो नहीं कर रहे थे हम, लेकिन अपनी बातों को सरकार तक मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे ताकि हमारी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए और जल्द से जल्द जो भी सीटें बची 1,37,000 में, चाहे 22,000 चाहे 26,000 हो, उनको 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। अच्छा, और मैटर तो आपको सब पता ही है कि 115 नंबर वाले धरना दे रहे हैं, 90 नंबर नौकरी कर रहा है, क्योंकि एकेडमिक मेरिट का अंतर है, कहीं ना कहीं अधिकारियों गलती है, उनको 40% एकेडमिक नहीं जोड़नी चाहिए। आपके साथ 35 साल वाला भी एग्जाम दे रहा है, 25 साल वाला एग्जाम दे रहा है, आज की एकेडमिक सब हाई स्कूल इंटर 80, उस जमाने में 60% बहुत वैल्यू हुआ करती थी। और इसके अलावा जो 3 नंबर फ्री वार्ड दी, यही दो ऐसा मुद्दा है जिसके कारण हम लोग धरने मजबूर हो गए धरना देने। अगर ये 40% ना जोड़ते और 3 नंबर फ्री में ना बांटते तो आज हम लोग धरना ना दे रहे होते यहाँ पे। मैं समझ गया, मुझे याद है जब हम लोगों ने शुरू किया था बात करना तो आपका जो ऊपर टंकी पे बैनर है वो काफी अच्छा हुआ करता था, जो चिथड़ा हो गया है एकदम। और नहीं, उस बैनर लगवा देंगे। अब टंकी क्या, उस टाइम आप भी चढ़े रहते। देखिए एक मुद्दा है, बैनर तो हमने सामने टांग दिए, यहाँ भी टांग दिए, टंकी को एक मुद्दा बना दिया गया है। ऐसा नहीं 52 दिन हम लोग धरना बाहर दिए, 53वें दिन टंकी पे चढ़े 11 अगस्त के दिन, मुझे याद है। तो 52 दिन तो हम लोग बाहर ही रहे हैं, अब बैनर लगा दिए, बैनर पानी धूप बरसात से सड़ गया, खराब हो गया। मेरा यही पूछने का मकसद था कि जब बैनर इतना खराब हो गया इतना, तो आप लोग की हिम्मत क्यों नहीं टूट रही? नहीं, हमारी हिम्मत खराब नहीं, हमारी हिम्मत मजबूत रहेगी, हमारे भाई बहन का साथ है और सरकार को सीट जोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि योग्यता के पक्ष में है सरकार, और अगर नहीं जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव में इनको नुकसान पहुंचे, क्योंकि यूपी की जनता तक पहुंच चुकी है हम लोग की बातें। 22,000 का मुद्दा ऐसा नहीं कि 22 करोड़ की जनता तक पहुंच चुका है, अगर ये हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे तो यूपी की जनता भी इनके साथ न्याय नहीं करेगी। अच्छा। लेकिन हमारे साथ न्याय करेंगे तो यूपी की जनता भी इनके साथ न्याय करेगी। अच्छा, आपकी जो साथी हैं शिखा पाल, मुझे पिछले दिनों संदीप पांडे जो मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं वो भी आए, उन्होंने भी इसको, हाँ जी, संदीप पांडे जी उस दिन भी आए थे, आज भी आए थे, करीब 2-2.5 घंटे के लिए आए, चले गए। और शिखा पाल दीदी का त्याग तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जब से हमने 11 अगस्त को हम लोग जब टंकी पर आए थे तब से करीब वो 108 या 109 दिन से हो गया, 110 दिन मान लीजिए, तो 110 दिन से टंकी पर तो हैं, और उनका इस मतलब ये 22,000 मुद्दे में एक प्रकार से उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है। अच्छा, इस बीच ऐसा भी हुआ कि काफी सारे अभ्यर्थियों को जेल भी भेजा गया, अभी पिछले दिनों जेल भी भेजा गया। देखिए मैं स्वयं जेल गया था, ये सच है, क्योंकि हम ही धरना अध्यक्ष, आपको पता ही है। इस 22,000 के मुद्दे की शुरुआत ही मैंने किया था, आपको सच्चाई बताना, जब शुरुआत में हम लोग 8-10 लोग थे मुश्किल से, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने 75 जिले को कवर किया, उस समय नितेश सिंह और थे। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, यहाँ पे एक सवाल ये, जैसे आपको कैसे लगा कि ये जो है सरकार धांधली कर रही है आप लोगों के साथ, कैसे मतलब आपको पहली बार कैसे पता चला या कैसे लगा कि आपको ऐसा हो रहा है? जब 69,000 के एग्जाम देकर आए थे हम लोग तो पता चला कि आंसर की वायरल हो चुकी है। अच्छा अच्छा, पिछले दिन यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, रिजल्ट नहीं, पेपर लीक हुआ। और सबसे अच्छी बात रही कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में जैसे ही बात आई उन्होंने पेपर को रद्द कर दिया। हम मुख्यमंत्री जी से और सतीश द्विवेदी जी से, जो भी सांसद विधायक देख रहे हैं इस चैनल को, उन तक मेरी बात पहुंचा दीजिएगा कि अगर यही चीज, जैसे यूपी टेट का पेपर लीक हुआ तो आपने रद्द कर दिया, ऐसे कई पेपर आपके लीक हुए हैं, अगर आप ऐसे ही रद्द कर देते तो आज हम लोग क्या योग्य अभ्यर्थी धरना दे रहे होते? आपने 69,000 में जो गलतियां की, क्या आपको पता नहीं है? क्या यूपी की जनता नहीं पता, कि अभ्यर्थियों को नहीं पता, या नए अभ्यर्थी जो बीएड कर रहे हैं उनको नहीं पता? देखिए सीधी बात है, झूठ कभी सोच नहीं मतलब छुप नहीं सकता और सच तो दिख ही जाता है। आपकी जो दो गलतियां हैं, एक 40% आपने जोड़ा, एक 3 नंबर फ्री बांट दिया, इन दो गलतियों के कारण हम लोग कहीं ना कहीं योग्यता से वंचित, मतलब सिलेक्शन से वंचित रह गए। और पेपर लीक तो हुआ था, आंसर की वायरल हुई थी, ये भी बात सच है। अच्छा। क्योंकि डीजे वाले वो धर्मेंद्र क्या नाम पटेल थे, अब उनको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, 143 नंबर पाए थे, बताइए। अच्छा। ऐसे ऐसे अभ्यर्थी थे जो 126-128 नंबर, उनको नॉलेज ही नहीं राष्ट्रपति और क्या नाम है चुनाव आयुक्त का नाम नहीं पता, तो ऐसे ऐसे लोग बन गए, बताइए टीचर बन गए, ऐसा क्या होगा बताइए? हम लोग दिन रात पढ़ने के बाद धरना दे रहे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं कहीं ना कहीं स्कूल में टीचर बन गए, बताइए। अच्छा, एक आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा, अब दिसंबर शुरू हो चुका है, 3 दिसंबर है आज, जल्दी ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी, नई भर्तियों पर रोक लग जाएगी, फिर उस केस में क्या करेंगे आप लोग?
देखिए जहाँ तक मुझे जो पता चला है मैं आपको बता देता हूँ, सरकार के संज्ञान में है सब कुछ, कमेटी गठित हो गई है, हम लोग कहीं ना कहीं जैसे दिनेश शर्मा जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, सतीश द्विवेदी जी से मिले, यहाँ अनामिका सिंह डीजी मैम से मिले, सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी से मिले, और इसके अलावा पीएस बघेल जी से मिले, सब ने यही कहा कि देखिए मुद्दा संज्ञान में है और पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी योग्यता के पक्षधर हैं। उन्होंने जब खुले मंच में बोला था कि हम 1,37,000 पद भरना चाहते हैं, हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, तो आज उनको पता है कि आपके पास योग्य अभ्यर्थी बहुत हैं और पद भी आपके पास है, आप पद को योग्य अभ्यर्थियों से भर दीजिए, बल्कि आप नई वैकेंसी ना निकालिए। हम तो यही कहेंगे साफ शब्दों में, जब आपके पास योग्य अभ्यर्थी है तो न्याय कहता है कि नई वैकेंसी मत निकालिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 10 वर्षीय कार्यकाल हुआ बीएड वालों को 2011 से 2021 में 10 वर्ष में सिर्फ एक बार मौका मिला है, और 15,000 बीएड अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, 40 क्रॉस हो गए। अगर आप सीट नहीं जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ अन्याय करेंगे और कहीं ना कहीं योग्यता के साथ आप अन्याय करेंगे। तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, श्री सतीश द्विवेदी जी से और जितने भी सांसद विधायक देख रहे हों उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि योग्यता के पक्ष में रहते हुए 1,37,000 की बची समस्त सीट 69,000 में जोड़ी होगी योग्य भर्तियों के साथ न्याय कीजिए। और जो भी इस वीडियो या चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो यूपी के हर व्हाट्सअप मोबाइल नंबर पर पहुँच जाए और जितने सांसद विधायक नेतागण उनके पास पहुँच जाए, ताकि हमारी बातों को संज्ञान में लिया जाए, जल्द से जल्द हमारा मुद्दा।